मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाना सही रहेगा। आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बारिश 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 का साथ गेम ज्यादा ही चल रहा है हम दोनों का। गाइस टाइम हो रहा है 7:38, हम लोग देख सकते हो रेडी है रूम में, ये सब सामान जो है बाइक में लोड हो जाएगा और हम लोग निकल जाएंगे। आज का डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, बैंगलोर ट्राई करेंगे लेकिन देख सकते हो 8 o'clock होने वाला है, तो 870 किलोमीटर है। मेरे ख्याल से कवर नहीं होगा, तो जितना दूर हो सकेगा उतना दूर कर लेंगे। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके, एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लव टू राइड। फर्स्ट काम जो है लगेज जो है बाइक में पैक करना है, चेन लूप चेन क्लीनिंग वगैरह मैं करके आया हूँ, टायर चेकअप भी हो गया है। तो चलो मिलते हैं बाइक के साथ। बाइक का हाल देखो, फेनर्स में बाहर जाके दिखाता, ये है पार्किंग। कल पूरा रात बारिश हुआ तो बाइक जो था एकदम सेफ जगह में था, लाइटिंग भी हो रहा था, बहुत तेज लाइटिंग हो रहा था। और ये सब हम लोगों का गीला था, अच्छा पार्ट ये था सब कुछ सूख गया है, मेरा हैंड ग्लव्स थोड़ा गीला है लेकिन चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। जय मकलेश्वरी। अभी फ्यूल रेंज दिखा रहा है 280 किलोमीटर, अभी चलेंगे हम लोग धीरे धीरे, थोड़ा हीट होने देता हूँ। मिरर भी कितना गंदा हो गया है, पूरा गंदा है मिरर। आ जा बुटू, ये है मेरा ठीक सामने है गोदावरी रिवर और उसका ऊपर है उसका बाईपास, वो सिटी को बाईपास करता है ये वाला रूट। पूरा रिवर का ऊपर एक लंबा सा ब्रिज है, वेदर देख सकते हो, वेदर काफी धुंधला है, बोले तो काफी क्लाउडी है, कभी भी बारिश हो सकता है, ठंडा ठंडा वेदर भी है। ये देखो ये है राजामंड्री सिटी, अभी हम लोग राजामंड्री सिटी में हैं। राजामंड्री सिटी से हम लोग का बेंगलोर का डिस्टेंस कुछ 860 किलोमीटर जैसा है। ओ हो 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 हो, व्यू तो देखो, वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। और ट्रेन भी जा रहा है वहाँ से, देख ट्रेन भी जा रहा है रे। मेरा विंडशील्ड देखो कितना गंदा हो गया यार, उसको पानी से धोना पड़ेगा पहले। इधर रुक के, बारिश लगता है अभी चालू हो जाएगा, सुबह थोड़ा धूप दिखा था फिर 8 बजे फिर से बारिश। ये है सिटी का सेंटर और ये लेफ्ट साइड में भगवान शिव जी का मूर्ति। मैं वाटर क्रॉसिंग बहुत धीरे धीरे क्रॉस करता हूँ क्योंकि चेन में अभी जस्ट क्लीन और लूप किया हूँ, आज तो वार लगने वाला है हम दोनों का। देखो देखो क्या हाल देखो, पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक है, बहुत तेज बारिश होने वाला है लगता है। हाँ वो पीछे हिल भी है, हिल के ऊपर जैसे बरस रहा है बादल। और हम लोग जो है एनएच में कनेक्ट कर लिए, देखो एनएच का दोनों साइड में कितना बड़ा बड़ा वॉल देके सेपरेट किया है। ये है NH16, यही रोड पकड़ के हम लोग को चलना है बेंगलोर के लिए। अभी देखो बाइक का हाल देखो, वो दिखाता हूँ, ये देखो बाइक का हाल इसका देखो, इसका हाल देखो, कलर ही चेंज हो गया। और देखो बादल देखो, और क्या देखोगे, बारिश होने का चांसेस 90% है। अभी राइट साइड में हाल देखो, मैं सोचा था यहाँ से ड्रोन व्यू लेते लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाना सही रहेगा। आगे थोड़ा कम है, बारिश होने का चांसेस थोड़ा कम है, ये साइड में थोड़ा ज़्यादा है, आंध्रा में थोड़ा ज़्यादा है, आंध्रा में जितना टाइम रहूँगा उतना टेंशन है। तो चलो निकल जाते हैं। ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, लगता है रेन को लगाना पड़ेगा आगे। ये काफी लंबा ओवरब्रिज है, ये मेरे को पम्बन ब्रिज का याद दिला रहा है, पम्बन ब्रिज भी कुछ ऐसा ही है। लेफ्ट साइड में देखो रेल ट्रैक है राजामंड्री और राइट साइड में पूरा नदी है। भाई जबरदस्त बारिश चालू हो गया, अब क्या करेंगे। हम लोग रोड के साइड में खड़े हैं, बारिश में पूरा बुरा हाल है हम लोग का, अंदर पूरा गीला हो गया, जब बारिश हो रहा था पूरा ये ड्रेस पहनते पहनते हम लोग पूरा गीला हो गया। एंड बाइक का तो छोड़ दो, बाइक का इतना बुरा हाल है मैं बता नहीं सकता हूँ। इन बिटवीन रोड का साइड में इतना इतना पानी स्टैगनेंट था, उसके ऊपर से बाइक गया, हैंडल थोड़ा लचपच हुआ स्लिपरना डर गई। तो अभी तो फिलहाल ठीक है, बारिश तो कम है, बारिश पीछे हो रहा है, हम लोग बारिश को क्रॉस करके आ चुके हैं। और हाथ का देखो क्या हाल है, बुरा हाल है।
और ऐसे हाल सू का भी है, जू का अंदर भी गीला हो गया। अभी पता नहीं कितना किलोमीटर जा पाएंगे क्योंकि अंदर पूरा हम लोग गीला है, पूरा के पूरा गीला है, दोनों पूरा गीला है। हम लोग अभी जो काम किया, हमारा जो गैजेट था, फ़ोन वगैरह सब था, सब पहनेस के अंदर डाल दिया हूँ। और ये रॉयल इनफील्ड का बाइक है, कुछ काम का नहीं है, सच बोल रहा हूँ, कुछ काम का नहीं है, पूरा गीला हो रहा है ऊपर से। एंड लगेज जो था वो छोड़ दो, वो सब गीला हो ही जाएगा, खाने का सामान है थोड़ा बहुत गीला हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बैग बहुत इफेक्टिव है, ड्राई बैग जो है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी तक पानी अंदर तक नहीं गया है इतना बारिश होने के बाद। चलो अभी ब्राइट चालू करेंगे और गोप्रो को नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऊपर में बादल है, कभी भी बारिश बरस सकता है तो फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा हम लोग का। तो सोच रहा हूँ अगर धूप आता है तो मैं गोप्रो में आता हूँ, और नहीं तो देखेंगे कितना टाइम तक बारिश झेल सकता हूँ हम लोग। तो जो भी होगा हम लोग अपडेट करेंगे, रास्ते में ब्रेक लेंगे तो अपडेट कर देंगे। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है एक प्लेन डोसा एंड एक ऑनियन डोसा। एंड फाइनली धूप निकल के आया है, आप देख सकते हो बाहर। सो अभी हम लोग विजयवाड़ा एंटर करने वाले हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 किलोमीटर्स दूरी पे है विजयवाड़ा। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं एंड मिलते हैं मॉडल का। अभी देखो रेडी है हम लोग निकलने के लिए। चेन में आज सुबह क्लीन किया था, क्या हाल हो गया। अभी ब्रेकफास्ट भी हो गया, डोसा खाया। भैया किधर जा रहे हो, पैदल? विजयवाड़ा कहाँ से आ रहे हो? एल्लूर से आ रहे हो? बाप रे बाप, कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर है? 90 किलोमीटर। तो भगवान जी का भक्त हो? ओके ओके ओके, चलो ऑल द बेस्ट, बाय। स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर, एग्जिट ओनली उसका ठीक सामने। हम लोग हमारा बाइक को रेस देने के लिए रुका दिया हूँ। ये जो है ना कीचड़, चिपकू चिपकू कीचड़ है, निकलता भी नहीं है। देखो ये देखो, नहीं निकलता है, पानी से अच्छी तरह घिसना पड़ेगा उसके बाद ही निकलेगा। ये हो गया हमारा अच्छा खासा 40 मिनट्स का ब्रेक हो गया। क्या करें यार, राइड ऐसे ही रहता है, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आज इतना ही जाना है बोल के। हाँ बहुत इमरजेंसी है तो 100% जाना है, ये बोल के तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा, रात में भी चलाना पड़ेगा बाइक तब पहुँच जाएंगे। लेकिन ये सब नहीं हो पाता है, जितना होगा उतना ही करना है, जितना नहीं होता है ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपना माइंड के ऊपर, अपना ब्रेन के ऊपर। खूबसूरत सा बजरंगबली का एक मूर्ति है यहाँ पे, जय बजरंगबली। मैक्सिमम सिटी में, आंध्रा का मैक्सिमम सिटी जो बड़ा बड़ा सिटी है उसमें बजरंगबली का मूर्ति है, बजरंगबली को माना जाता है बहुत। और एक बजरंगबली का मूर्ति, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कितना खूबसूरत चर्च है, हिल का एकदम ऊपर में, पता नहीं 300 किलोमीटर के ऊपर आ गए हम लोग। रोड मैप वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, NA16 पकड़ के आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। टेम्परेचर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, धूप भी ज़्यादा नहीं है। अभी थोड़ा सेलिंग कर रहा हूँ, बैठ बैठ के चलाते चलाते बोर हो गया, इसके लिए सेलिंग कर रहा हूँ। गाइस अभी का टाइम हो रहा है 3:23, अभी करेंगे लंच। लंच में ऑर्डर किया हूँ रोटी एंड पंजाबी चिकन, फिलहाल तो और कुछ नहीं लिया हूँ, और एक कार्ड लिया हूँ। और अभी जो हवा है एकदम रोड साइड में है, मेरा पीछे ही ठीक खाए हुए है। ठीक हमारा जहाँ पे ये है टेबल, और यहाँ पे रेल ट्रैक, और यहाँ पे NH, और यहाँ पे है डॉगी। अभी लंच करेंगे, लंच का खुशबू जो है काफ़ी धमाकेदार आ रहा है, देखो इनका मुहिम देखो। हाँ अभी GoPro में भी चार्ज डालना पड़ेगा, ओनली 6% से चार्ज पेंडिंग है भाई। क्वांटिटी देखो, पंजाबी चिकन है ये, और उसके साथ फुल्का आया है, फुल फैमिली का क्वांटिटी है वो। पेट भर जाएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है यार। टेस्ट तो बढ़िया है, सलाद भी दिया है इधर। एक
खूबसूरत सा लोकेशन पे खड़े हैं अभी हम तीनों, छोड़ के इधर कोई नहीं है आसपास में। बहुत ही अच्छा जगह लग रहा है, लगा हम लोग एनएच में जाते जाते देखा कुछ तो जगह मिलेगा तो हम लोग घुसा लेंगे यहाँ से, तो एक थोड़ा सा छोटा सा मिला गली, वहीं से हम लोग आ गए अंदर। तो चलो इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ एंड उसके बाद निकल जाता हूँ अपना सफ़रनामा में। सफ़र में और है क्या, यही छोटा छोटा मोमेंट में जीना है और इन्जॉय करना है। अभी सिरपड़ने के लिए 2-3 फ़ोटो उठाना है जो आप लोगों को मिलेगा इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अगर चेक नहीं किए हो तो चेक कर सकते हो। हो गया हमारा इधर कंप्लीट, अभी अभी चलेंगे इधर से निकल के जाएंगे ऊपर में हाईवे। रोड जाम हो गया भाई साहब, लोगों ने जाम कर दिया रोड को और इधर टट्टी भी करके गया रोड के ऊपर अपना ही आधा है इन लोगों का टहलते हुए जा रहा है एनएच में भाई। फिर से भाई बारिश चालू हो गया, अभी ये ट्रैक के पीछे थोड़ा रुकता हूँ, रेनकोट वगैरह लगाता हूँ फिर जानी चालू करता हूँ। बहुत हो गया यार, हद हो गया हद, आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बारिश 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 का साथ गेम ज़्यादा ही चल रहा है हम दोनों का। खुले एटा खोल, एटा खोल, हमें एटा खोल। दोस्तों लास्ट 50 किलोमीटर्स हम लोग ऑलमोस्ट बारिश में ही चलाए एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए गुडुर में एंड इधर एक बहुत ही अच्छा खासा होटल हम लोगों को मिल गया जिधर हम लोग आज रात को हॉल्ट करने वाले हैं, बिकॉज हम लोगों के अंदर उतना ताकत नहीं था कि हम लोग बैंगलोर पहुंच पाए। और रास्ते का हालत तो बुरा है ही गुडुर के बाद एंड मौसम भी उतना भी खास नहीं है, कभी बारिश आ सकती है फिर से, तो इसीलिए हम लोगों ने आज गुडुर में ही हॉल्ट कर लिया। तो होटल का जो नाम है वो है महिंद्रा एलिट, जो काफी ब्यूटीफुल एक होटल है। हम लोगों ने ये होटल का जो मिनिमम जो प्राइस वाला रूम वो लिया एंड उसका प्राइस था 1680 विद जीएसटी। इधर एक बेड है, एक टीवी है, वाईफाई है बाहर, मतलब हमारे बस रूम के बाहर ही है, सुंदर मिरर है, कवर्ड है, बैठने के लिए जगह है, सोफा है जिसको हम लोगों ने कचरा बना दिया एक्चुअली, एंड बाथरूम तो काफी क्लीन है। दिस इज द वॉशरूम एंड जो जो बेसिक चीज़ है सोप डेंटल किट सब कुछ दिया है इन लोगों ने एंड एक एसी है। सो दैट्स द अपडेट अबाउट होटल रूम। सो गाइस डिनर आ गया, डिनर हम लोग आज रूम पे ही बैठ के करेंगे। डिनर में है चिकन फ्राइड राइस, दोनों का दो फ्राइड राइस और रायता है साथ में। ज़्यादा थक नहीं गया हूँ ये तो बोलूँगा मैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बारिश में भीग के ना हम लोग का बुरा हाल हो गया पूरा। हम लोग का एक्चुअली शू जो है वाटरप्रूफ नहीं, सिंपल बात है, तो जो पानी है ना पूरा भरा हुआ था शू में, पैर का नीचे में दर्द हो रहा है। आज के लिए हम लोग ये जो ब्लॉग है इधर ही ख़त्म करते हैं बिकॉज हम लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, अभी बस खाना है, सोना है एंड कल सुबह फिर से जर्नी स्टार्ट करना है। सो दोस्तों अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो जरूर एक लाइक करना, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। टाटा।